इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफ्रेंसिस बिटवीन टू वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशोज़ दैट आर द रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन एक्विटी दोनों रेशोज़ आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं लेकिन दोनों में दोनों टेक्निकली डिफरेंट हैं इसका मतलब कि वो दोनों मुख्तलफ एस्पेक्ट्स के थ्रू आपको किसी एक कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में एनालिसिस करने में मदद देने जा रही है सो एज द टर्म्स एज द टर्म्स से दैट वन इज़ रिटर्न ऑन एसेट्स एंड द अदर इज रिटर्न ऑन एक्विटी तो एक में आप रिटर्न ऑन एक्विटी के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो नेट इनकम को इन टर्म्स ऑफ कितना एफिशिएंटली आपने नेट इनकम अर्न कराए बाई कंसिडरिंग देर वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर एक्विटी वेर एज इन द फर्स्ट केस पहले वाले uh, रेशो के अंदर आप टोटल एसेट्स के हिसाब से अर्निंग्स को मैच करें सो दैट इज द बेसिक टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड दैट कैन बी वेरी नाइसली अंडरस्टोंड इफ़ यू लुक एट द फार्मूलाज सो आर ओ ए के फॉर्मूला को अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास नेट इनकम है न्यूमिनेटर में मगर डिनोमिनेटर में टोटल एसेट है अभी आर ओ ई के अंदर हमारे पास नेट इनकम इन टर्म्स ऑफ शेयर होल्डर्स एक्विटी देखने जा रहे हैं तो ये दो डिफरेंट बातें हैं और दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेलुएट करें इन दो फाइनेंशियल रेशियोज़ की मदद से आर ओ ई बेसिकली मायर करती है रिटर्न ऑन अ कंपनीज एक्विटी और इसमें वो कंसिडर नहीं करती लाइबिलिटीज को आर uh, ओ में कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट बिकॉज़ आर कंपनी की डेट को कंसिडर कर रही है और आर कंपनी के डेट को कंसिडर नहीं कर रही क्योंकि जब आपने शेयर होल्डर एक्विटी की वैल्यू निकाल लिया उसमें से आपने डेट्स और जो भी अलाउंसेज वगैरह थे उनको आपने निकाल दिया है so, सो अगर आपके पास इफ़ द वैल्यू ऑफ द लेवरेज एंड द डेट अगर लेवरेज और डेट के वैल्यूज हायर हैं किसी भी कंपनी के लिए तो फिर हमारे पास आर की वैल्यू हायर होगी एज़ कम्पेयर टू आर सो दिस इज़ वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड वैन वी विल बी evaluating or analyzing the financial performance of a company by considering the values of ROA and ROE so uh, there is another issue with uh, return on asset that is ROA uh, that it cannot be used across industries as we discussed earlier jab humne ROA को discuss कि that uh, within the sector within an industry different companies go ROA key compare कर सकते हैं लेकिन आप अक्रॉस इंडस्ट्रीज में नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि जैसे अभी पिछले मॉड्यूल में मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कंप्यूटर की फर्म बनाई है तो उसमें आपको बहुत महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा तो आपकी टोटल एसेट की वैल्यू बहुत हाई होगी एज़ कम्पेयर टू कोई भी सर्विस ओरिएंटेड एंटरप्राइज जिसमें आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हो वहाँ आपको बहुत हैवी किस्म की मशीनरी बाय करने की ज़रूरत नहीं है तो सर्विस ओरिएंटेड सेटअप के लिए सर्विस ओरिएंटेड कंपनी के लिए आपकी टोटल एसेट की वैल्यू कम होगी जिसकी वजह से आपका आर का वैल्यू क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होगी तो आर में भी हायर एज कम्पेयर टू वैन वी टॉक अबाउट कंपनी विच इज विच इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ इट्स टोटल एसेट्स तो अगैन इट इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट वे टू कंपेयर टू डिफरेंट कंपनीज बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट सेक्टर्स और टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज ओनली कंसिडरिंग देयर ROA values, they cannot be compared. So, that is the limitation of ROA. Another important thing which we need to uh, look at is that, uh, again, both things, both concepts, ROA and ROE, are telling you uh, about the financial performance or the efficiency or the profitability of a company from two different angles. So, that is something which is important to understand when we interpret the values of ROA. And um, another important aspect when we need to uh, about RO is that uh, in U.S Jokey uh, Federal Bank hai, central bank hai, St Louis key uh, which is called St Louis Federal Reserve Bank uh, they provide the values of return on assets on all the U.S banks um, they maintain this data set or again it is interesting to see that uh, for all the banks in USA as फॉर द डेटा बेस बाय सेंट लुइस फेडरल रिजर्व बैंक 1984 से लेके अभी तक आर के वैल्यूज तमाम बैंकों के जो कि यू में ऑपरेट कर रहे हैं वो सम वॉट वन परसेंट के आसपास फॉल करते हैं सो दिस इज हाउ वी कैन सी दैट सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है बैंक्स uh, तो वहाँ चुके टोटल एसेट की जो वैल्यू है वो बहुत लार्ज नहीं होती तो आपका आर ओ के आसपास कहीं बैठा रहता है so this is important to uh, to note because uh, it also gives you information across the industries roa ki value ko compare sakte